अपने स्वार्थ के लिए वो दूसरों की खुशियां छीनता है, भाई को भाई से लड़ाता है, मां समान भाभी के खिलाफ बेटे जैसे देवर के दिल में जहर भरता है। रिश्तों में आग लगाकर आखिर वो इंसान पाना क्या चाहता है? सिर्फ पैसा? पैसे से क्या होगा? क्या उसका उद्धार हो जाएगा? वो ये क्यों भूल जाता है कि संसार से जब वो जाएगा खाली हाथ जाएगा, जमीन जायदाद जेवर पैसा सब कुछ यही रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं ले जाएगा। फिर ये स्वार्थ क्यों? कब इंसान ये समझेगा कि जब वो जाएगा तो उसके साथ उसके अच्छे बुरे कर्म अच्छे बुरे संस्कार ही जाएंगे। ओम जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदि अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदि। चलो साईं बाबा की आरती में चलते हैं, आओ दिनकर। हाँ चलो। साईं बाबा, आपके आशीर्वाद से मैं मां बनने वाली हूं, फिर अचानक ये विघ्न क्यों? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है बाबा? मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? और ये बात आज मैं आखिरी बार कह रही हूं, मुझे बच्चा बच्चा नहीं चाहिए। मैं 9 महीने तक बच्चे का बोझ नहीं उठा सकती और बच्चे को जन्म देकर मैं अपनी खूबसूरती नहीं बिगाड़ूंगी। अब समझ में आया उर्मिला बेटी, अच्छे कर्म करो तो दुआ मिलती है और बुरे कर्म किए हो तो बद्दुआ ही मिलेगी। कर्म हमारे साथ चलते हैं। उर्मिला क्या हुआ? साईं बाबा ने मुझे मेरे पिछले जन्म का साक्षात्कार करवाया। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ मैं। साईं बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। मैं अपना बच्चा नहीं खोना चाहती हूँ, अपना बच्चा नहीं खोना चाहती मैं। मुझे भी साक्षात्कार हुआ है दिनकर, जल्द से जल्द मौका मिलते ही दामू अन्ना को हटाकर उसका सारा धंधा सारा व्यापार अपने कब्जे में करना होगा, अपने कब्जे में। बाबा आप पाए थे अपा?
मैं साहू जी के खेत में गया था। वो क्यों बाबा? साहू जी ने खेत में गन्ने लगाए हैं, मैंने खूब खाए, शक्कर से भी ज्यादा मीठे थे। बाबा बाबा, आज छोड़ूंगा नहीं उसे। गन्ने की सारी खेती खराब कर दी उसने, पता नहीं कितने गन्ने खा गया वो। साहू जी, भैया जी अप्पा, ओ भैया जी अप्पा, भैया जी अप्पा बाहर आओ। साहू जी आप, क्या बात है साहू जी, इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में क्यों हूँ? तुम्हारे गोंदिया ने मेरे खेत को रौंद डाला। गोंदिया ने? हाँ, गन्ने की सारी खेती खराब कर दी उसने, पता नहीं कितने गन्ने खा गया वो। साहू जी ने खेत में गन्ने लगाए हैं, मैंने खूब खाए, शक्कर से भी ज्यादा मीठे थे। साहू जी, ये तो साईं बाबा की लीला है। वाह 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 बैजी, गन्ने खाए गोंदिया ने। हाँ। और बयाजी अप्पा को इसमें साईं बाबा की लीला दिखाई दे रही। अरे है। राम राम राम। मैंने जो बोलना था बोल दिया। अगर गोंदिया ने मेरे खेत पे कदम रखा तो इस लाठी की लीला दिखाऊंगा बयाजी, तुम्हें भी और गोंदिया को भी, समझे? चलाओ। श्यामा, ऊपर वाले की लीला कोई नहीं जान सकता। बाबा मैं आपके लिए खीर लाई हूं ना, लक्ष्मी की मां, फिर से मेरे लिए खीर लाने की क्या जरूरत थी? फिर से? तो क्या आपने खीर खाई है साईनाथ? हाँ, लेकिन मैंने तो आपको खीर दी ही नहीं। याद करो लक्ष्मी की मां, जैसे ही खीर तैयार हुई मैं आपको देने के लिए निकली, तब बयाजी अप्पा पाटिल का गोंदा बैल आया तो मैंने उसे खीर खिलाई। बहुत स्वादिष्ट खीर थी लक्ष्मी की माँ। बहुत पसंद आई, काजू डालकर खीर मेवा बन गई। साईं बाबा आप, जिस गोंदिया को तुमने खीर खिलाई लक्ष्मी की माँ, वो मेरा ही तो एक रूप है। इसी प्रकार अन्य प्राणी भी मेरा ही रूप हैं, जानवर भी, मैं ही उनके आकारों में डोल रहा हूं। ये चराचर विश्व मैंने ही तो व्याप्त किया है, जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है, सबका मालिक। राम राम, अरे राम राम, अरे लखू गिर गया, सत्यानाश हो जाए। चुप, अब हंसोगे तो सारे के सारे दांत तोड़ दूंगा, भागो यहां से। क्या हुआ लखू मारवाड़ी, ये लाठी लेकर किसके पीछे भाग रहे थे? जिसने आज मेरी दुकान में घुस के सारे दुकान का सत्यानाश कर दिया, और वो तुम्हारे गोंदिया के सिवा दूसरा कौन हो सकता है? अब तुम बोलोगे गोंदिया तुम्हारा नहीं है, शिवजी का है।